अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डुअल स्पेसेस फंक्शनल एनालिसिस के अंदर। सबसे पहले हम एक दो डेफिनेशन देखेंगे लीनियर फंक्शनल के हवाले से, जो कि हमारी लास्ट वीडियो थी लीनियर फंक्शनल के ऊपर, उसमें हमने डिटेल से पढ़ा। लेट एक्स बी अ नॉर्म स्पेस, लेट एफ फ्रॉम एक्स टू एफ, जी फ्रॉम एक्स टू एफ बी लीनियर फंक्शनल। ये एफ और जी दोनों लीनियर फंक्शनल हैं, तो इनका सम जो है वो किस तरह डिफाइन होगा? एफ प्लस जी इन टू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ये भी क्या है? लीनियर फंक्शन है। बताने का ये मतलब है कि इनका जो दो लीनियर फंक्शनल का सम जो है वो भी लीनियर फंक्शनल होगा। इसी तरह अगर अल्फ़ा कोई आप स्केलर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं एफ के साथ, फंक्शनल के साथ, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? अल्फ़ा एफ इन टू एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स। ये भी क्या है? हमारे पास लीनियर फंक्शनल है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है लीनियर फंक्शनल के हवाले से। अब नेक्स्ट है, इफ़ एक्स प्राइम डिनोट द सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल डिफाइंड ऑन एक्स। एक्स प्राइम जो है वो तमाम लीनियर फंक्शनल जितने भी इस एक्स के ऊपर डिफाइन हो रहे हैं, अगर उनको रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये लीनियर स्पेस होगा और इसे कहेंगे अलजबराइक डूअल स्पेस। इसे क्या कहेंगे? अलजबराइक डूअल स्पेस ऑफ एक्स। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि व्हाट इज़ डूअल स्पेसेस। तो डूअल स्पेसेस द स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कंटिन्यूस और बाउंडेड लीनियर फंक्शनल डिफाइंड ऑन एक्स इज डिनोटेड बाय एक्स डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखें कि एक ऐसी स्पेस जिसमें तमाम, चाहे वो कंटिन्यूस हों या बाउंडेड लीनियर फंक्शनल हों एक्स के ऊपर, उन सब को इकट्ठा करके जो स्पेस बनती है या जिस स्पेस में वो सारे के सारे मौजूद होते हैं, उसको हम एक्स डायरेक्ट से डिनोट करते हैं और उसको कहा जाता है डुअल स्पेस ऑफ एक्स। ठीक है, या इसको कॉन्जुगेट स्पेस भी कहा जाता है, एक्स की कॉन्जुगेट स्पेस भी से हम कहते हैं। अब एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो डुअल स्पेस है, ठीक है, ये नॉर्म स्पेस होती है। यहाँ पे लिखते हैं डुअल स्पेस इज अ नॉर्म्ड स्पेस। ठीक है, अब अगर ये नॉर्म्ड स्पेस है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, नॉर्म स्पेस है तो इसका मतलब है ये क्या है? टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक हो गया। अब अगर ये टोपोलॉजिकल स्पेस है तो जो टोपोलॉजी डिफाइन होगी ना एक्स डायरेक्ट के ऊपर, देन ये बड़ी अहम बात है, टोपोलॉजी डिफाइंड ऑन एक्स डायरेक्ट, एक्स डायरेक्ट के ऊपर जो टोपोलॉजी डिफाइन होगी वो क्या होगी? इज कॉल्ड, ओके, इस टोपोलॉजी का क्या नाम होगा? स्ट्रॉन्ग टोपोलॉजी। क्या क्या नाम होगा भाई? याद रखना आपने, स्ट्रॉन्ग टोपोलॉजी। ओके, ये एक डेफिनेशन थी। अब एक और अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ, इसको नोट का हेडिंग दे दें। एज ये जो एफ हम लेते हैं ना, ठीक है, पिछले आपने देखा होगा जब लीनियर फंक्शनल की हम बात कर रहे थे, तो हमारा जो है एक्स से एफ पे था फंक्शनल जो है लीनियर फंक्शनल। एफ जो है वो चूंकि हमने स्केलर लेना है, एज एफ इज़ आर आर सी, यानी कि जो हमारा आउटपुट है वो या तो रियल होगा या कम्प्लेक्स होगा। अब इसे अगली बात सुने कि आर एंड सी आर बोथ कम्प्लीट, ठीक है, कम्प्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस हैं, आर बोथ कम्प्लीट, ये दोनों क्या हैं? आर और सी दोनों कम्प्लीट हैं। ये पहले लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फिर इसका ये हमें पता चलता है कि फिर जो हमारे पास एक्स डायरेक्ट है वो क्या है? देन एक्स डायरेक्ट इज़ कंप्लीट। अगर ये कंप्लीट है तो एक्स डायरेक्ट क्या होगा? वो कंप्लीट होगा। और अगर वो कंप्लीट है तो हम कह सकते हैं एक्स डायरेक्ट इज़ अ मानाक स्पेस।
तो यहाँ से बहुत सारी बातें हमने एक्सटेरे के बारे में सीख ली कि वो नाम स्पेस भी है, वो टोपोलॉजिकल स्पेस भी है, वो कंप्लीट भी है और वो बनाक स्पेस भी है। तो ये सारी बातें आपने क्या करना है, इसको याद रखना है। एक थ्योरम हम देखते हैं, उसकी जस्ट स्टेटमेंट देखेंगे। थ्योरम स्टेटमेंट उसकी है द रूल ऑफ दी रूल स्पेस ऑफ एन डायमेंशनल नॉर्म स्पेस इज ऑल्सो एन डायमेंशनल नॉर्म स्पेस। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो डुअल स्पेस है ना एन डायमेंशनल नॉर्म स्पेस की, वो भी क्या होती है? एन डायमेंशनल होती है। यानी कि डुअल स्पेस भी उतनी ही डायमेंशंस की होती है जितनी ओरिजिनल स्पेस होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें दूसरी बात दूसरा थ्योरम, इफ एफ सॉरी इफ एक्स इज अ फाइनाइट डायमेंशनल, एक्स जो है हमारे पास क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस है। एक्स क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस है। एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स, एक्स नॉट उसका कोई पॉइंट ले लें, हैज़ अ प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है इसके अंदर भाई, ये हम देखते हैं। दैट फंक्शनल ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है, और एफ कहाँ से आता है, एफ आपका एक्स डायरेक्ट से ले रहे हैं। ठीक है। डूल स्पेस से एक फंक्शन इस एक्स नॉट के ऊपर अप्लाई करते हैं, आंसर जीरो आता है, तो फिर ये अंडरस्टूड सी बात है कि एक्स आपके पास क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। इसको आप थोड़ा सा देख लें कि एक्स फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस थी, उसका एक हमने पॉइंट लिया, और एफ हमने एक फंक्शनल लीनियर फंक्शनल लिया डूअल स्पेस से। वो फंक्शनल अगर इस एक्स नॉट के ऊपर अप्लाई करके आंसर जीरो दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक्स क्या है हमारे पास, जीरो के इक्वल है। ठीक है। तो इसके बाद जो है कुछ एमसीक्यूज के हवाले से चीज़ें हम देख लेते हैं जो आपने याद रखनी है। यहाँ पे इसके बाद सेकंड डुअल स्पेस का है आर्टिकल, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगी। तो पहली बात, ये पीपीएससी एफपीएससी हर टेस्ट में पूछा जाता है, इस बार भी आया था। जिन लोगों ने दिया है या पेपर देखा है वो ज़रूर मेरी बात को सेकंड करेंगे। और वो क्या है कि डुअल स्पेस ऑफ आर एन इज आर एन। ठीक है। वहाँ पे पूछता है, वो पूछ लेगा कि आर एन की डुअल स्पेस क्या है। ठीक है। या इसे आगे हम देखने वाले हैं, उनमें से भी किसी के बारे में पूछ सकता है। अच्छा, दूसरा है डुअल स्पेस ऑफ एल वन, एल वन इज एल इन्फिनिट, आई आई थिंक सो कि यही वाला आ रहा था पेपर में। ठीक है। और तीसरा जो है फॉर एनी पी ग्रेटर देन वन डुअल स्पेस ऑफ एल पी इज एल क्यू। यकीनन जो है आप समझ गए होंगे कि
पी ग्रेटर देन वन क्यों लिखा, क्योंकि अगर पी को वन ले लें तो फिर उसकी डूल स्पेस वैल्यू इन्फिनिटी है, तो इसलिए पी ग्रेटर देन वन लिया है। और यहाँ पे क्यू क्या है, देयर क्यू इज कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट, ठीक है। और इसके साथ साथ एलपी जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, वैसे ये मैंने अगले लेक्चर के लिए छोड़ दिया है, जिसमें हम सेकंड डुअल स्पेस भी पढ़ेंगे और रिफ्लेक्सिव भी पढ़ेंगे। तो इन इनको भी आपने साथ साथ जो है वो याद रखना है कि डुअल स्पेस आर एन की आर एन होती है, एल वन की एल इन्फिनिटी है, और एल पी की क्या है, एल क्यू है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।